सब्सक्राइब करिए माला की रसोई चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की मेरी रेसिपी में इडली बनाने जा रही हूँ और बिना स्टैंड का हम घर पे बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इडली हम घर के सामानों से बना सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं सामग्री हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कप हमारा जो है सूजी है। सूजी हमारा ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, मीडियम का सूजी है। तो इसकी इडली बहुत अच्छी होती है। और इसमें हम दही डाल देते हैं। दही का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी दही फ्रेश ताज़ी हो तो बराबर में दही आप ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम कम लिए हैं क्योंकि दही हमारी थोड़ी सी खट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम कम ही डाले हैं दही। और इसमें चीनी फ्लेवर के लिए हमें डालना है थोड़ा सा। चीनी से क्या होता है कि हमारा इडली का फ्लेवर बढ़िया आता है। और यहाँ पर नमक डालना है हमें छोटे चम्मच से आधा चम्मच। तो इस तरह से हमें मिलाना है। तो देखिए अभी हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एक चम्मच पानी डाल दे रहे हैं और इन्हें मिला के इस तरह से मिला के हम रख देंगे इन्हें 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से थोड़ा सा हमारा सूजी और दही सेट हो जा। तो अब हम इन्हें ढक के छोड़ दे रहे हैं 8 से 10 मिनट के लिए। तो ठीक 10 मिनट बाद हम इन्हें खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा ठीक है और बेटर भी बढ़िया है। अब हम इसमें इनो डाल देते हैं। इस तरह से इनो है, मार्केट में मिलता है, तो इसमें इनो हम डाल देते हैं। और एक पैकेट पूरा हमें डाल देना है और डाल के इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है। अगर इनो घर में ना हो तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए कटोरी है हमारे पास, प्लेट छोटा छोटा। तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं, तेल भी लगा सकते हैं पर यहाँ पे हम घी लगा रहे हैं। इस तरह से हमें पूरा लगा देना है। तो यहाँ देखिए आप 6 प्लेट है हमारा, बिल्कुल छोटा है। देखिए इस तरह से आपके घर में अगर है तो आप आसानी से बना सकते हैं, छोटी कटोरी हो उसमें भी बन जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा हम डाल दिए हैं और इन्हें थोड़ा सा इस तरह से हमें बराबर कर देना है ताकि अच्छी तरह से हमारा बैटर सेट हो जाए। तो आइए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस हमारा अभी जला नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे एक कढ़ाई हम लिए हैं
जो कि नॉन स्टिक है, आप चाहें तो अल्मुनियम के कढ़ाई में भी बना सकते हैं और कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई हम रखे हैं और कढ़ाई में जो है हमें इस तरह से स्टैंड जो डाइनिंग टेबल पर या जब हम खाना बना लेते हैं तो गर्म रहता है तो उस पर हम रखने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंचा हमारा स्टैंड हो रहा है तो हमें इस तरह से रख देना है। रख के थोड़ा सा पानी हमें डालना है। इस कप से 1.25 कप हम पानी डाले हैं। और इस पे इसी तरह से देखिए बिल्कुल बराबर में हमें रखते जाना है। आपके घर में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो है स्टैंड हो इडली का तभी आप बनाएं, आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से अगर प्लेट हो तो प्लेट रखिए, वरना इस तरह से अगर जाली वाला कुछ हो तो ऊपर इस पे रख दीजिए और उसके ऊपर इस तरह से आप, तो इस तरह से करने पे हमारा 6 कटोरी आराम से आ गया। अब हम गैस को जला देते हैं। और जलाने के बाद थोड़ा सा हम मीडियम पर किए हैं, ज़्यादा ना तो हमें तेज आंच करना है ना ही धीमा, मीडियम पर किए हैं। और इस तरह से हमें एक थाली लेना है ताकि ये बराबर में ढक जाए, देखिए इस तरह से। और इन्हें हमें 15 मिनट के लिए इसी पे पकाना है। तो 15 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं इन्हें, एक चाकू के मदद से हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है, इन्हें भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारे चाकू में एकदम लगना नहीं चाहिए, इसका मतलब कि हमारी इडली तैयार है। अब गैस को हम ऑफ करते हैं और इन्हें उतार देते हैं हम। तो देखिए 5 मिनट हो गया, थोड़ा सा हमारा इडली जो है ठंडी हो गई है। इस समय अब हम इन्हें निकाल रहे हैं कटोरी से, तो थोड़ा सा इस तरह से चाकू लेके और इस तरह से आप निकालते जाएंगे। देखिए किस तरह से कितना अच्छा हमारी इडली बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम सारी इडली हम निकाल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला इडली हमारी बन के तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह से हम प्लेटिंग कर दिए हैं और बहुत मस्त इडली बन के हमारी तैयार हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जाली जाली जैसे जाली होता है उस तरह से सॉफ्ट मुलायम और अच्छी इडली हमारी बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बनाइए और कमेंट हमारे चैनल पर ज़रूर डालिए कि ये इडली बन के आप बनाए तो कैसे लगा।